अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है, श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता है। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच कर मुंह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता हो। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी काम